रेलवे स्टेशन पर जामुन बेचने वाली चुड़ैल सास बहू। चंदनपुर गांव में यामिनी अपनी बहू शिवानी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। यामिनी और शिवानी ने एक एक्सीडेंट में अपने पतियों को खो दिया था, जिसके बाद रोज दोनों चंदनपुर रेलवे स्टेशन पर जामुन बेचकर अपना गुजारा करते थे। शिवानी बहू, मैं जंगल जा रही हूँ जामुन तोड़ने के लिए, तू रेलवे स्टेशन चली जा जो जामुन बचे हुए हैं उसे बेचने के लिए। माँ जी, मैं जंगल चली जाती हूँ, आप स्टेशन चले जाइए। ठीक है बहू, जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन, खट्टे खट्टे जामुन, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे अम्मा, दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जामुन। बेटा, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ठीक है, फिर आप मुझे आधे किलो जामुन दे दो। ये लो। माँ जी, ये लीजिए जामुन, मैं ले आई। शिवानी बहू, अब तू ट्रेन के अंदर जाकर जामुनों को बेच, मैं यहाँ बेचती हूँ। ठीक है माँ जी, जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन, स्वादिष्ट जामुन। सुनिए, मुझे 20 रुपए के जामुन दे दीजिए। ये लीजिए। यामिनी और शिवानी दिन रात मेहनत करके जामुनों को बेचा करती थी और अपना गुजारा करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है ना? हाँ बहू, अगर ऐसी ही हमारी रोज की कमाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी दुकान में जामुन बेचेंगे, फिर हमें ऐसे रेलवे स्टेशन पर जामुन बेचने की कोई जरूरत नहीं होगी। जल्दी ही अब भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। शिवानी बहू, 10 बज गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। बस माँ जी, अभी थोड़ी देर में एक ट्रेन आने वाली है। यामिनी और शिवानी दोनों ही ट्रेन का इंतजार करती हैं और देखते ही देखते कुछ देर में वहाँ एक ट्रेन आ जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है वैसे ही शिवानी ट्रेन के पास जाती है। ट्रेन के अंदर सुशांत और मोनू नाम के दो लड़के बैठे होते हैं जो देखने में ही अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। सुशांत, वो देख रहा है जामुन वाली, चल आज इसे परेशान करते हैं। लेकिन कैसे? तू बस देखता जा। अरे सुनो, इधर तो आना, ये जामुन कैसे दिए? ज्यादा नहीं, 30 रुपए किलो है, आपको कितना चाहिए? एक काम करो, मुझे तुम 2 किलो दे दो। ठीक है, ये लीजिए। ये लो इसके पैसे। ये तो 500 रुपए हैं, मेरे पास तो 500 के खुल्ले नहीं है, आप रुकिए मैं खुल्ले लेकर आती हूँ। इतना कहकर शिवानी यामिनी के पास खुल्ले लेने चली जाती है, जब तक ट्रेन भी चालू हो जाती है, जिसे देखकर शिवानी ट्रेन के पीछे भागने लगती है। अरे रुकिए, मेरे पैसे तो दे दीजिए। ये ले तेरे पैसे, ये ले। आप पैसे बाहर फेंक दीजिए। अगर पैसे चाहिए तो इधर आके ले ले। अपनी बहू को ट्रेन के पीछे भागता देख यामिनी भी उसके पीछे भागने लगती है। रुक जा बहू, रुक जा, मत भाग ट्रेन के पीछे, गिर जाएगी। ट्रेन की स्पीड तेज होने लगती है, शिवानी अभी भी ट्रेन के पीछे भाग रही होती है। सुशांत और मोनू इस चीज का मजा ले रहे होते हैं कि तभी अचानक शिवानी का पैर फिसलता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाती है। शिवानी को बचाने के चक्कर में उसकी सास यामिनी भी ट्रेन के नीचे आ जाती है, जिससे उन दोनों की वही मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद वो दोनों सास बहू चुड़ैल बन जाती हैं। इस हादसे को आज पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी वो दोनों चुड़ैल सास बहू उसी रेलवे स्टेशन पर भटक रही होती हैं। जल्दी जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, 10 बजने वाले हैं, अगर ज्यादा देर हो गई तो वो दोनों चुड़ैले सास बहू आ जाएंगी। ये समोसे कैसे दिए हैं? बेटा 10 के 2 हैं। 2 दे दो। ये लो बेटा, तुम्हारे 2 समोसे। ये लो। बेटा खुले तो दुकान में है, मैं अभी वहाँ से लेकर आता हूँ। दुकान वाले के जाते ही ट्रेन चलने लगती है। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे! ले लो पैसे, ले लो। बेचारी दुकान वाले को अपने पैसे लेने के लिए ट्रेन के पीछे भागना पड़ता है। ये सब ऊपर से यामिनी और शिवानी देख रहे होते हैं और उन्हें ये सब देखकर अपने साथ हुआ हादसा याद आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने जादू से उस कस्टमर को उसकी खिड़की से बाहर निकाल देते हैं। कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो।
हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बड़ा मजा आता है ना तुम्हें गरीबों के पैसे लेके भागने में। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। यामिनी और शिवानी उसकी एक नहीं सुनते, उसे वही मार देते हैं और उसके हाथों से पैसे लेकर दुकान वाले को दे देती हैं, जिसे देखकर दुकान वाला काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी मैया, भागो यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकित, क्या जो तुमने मुझे चंदनपुर रेलवे स्टेशन की स्टोरी बताई थी, क्या वो सच है? हाँ रूबी, मैंने भी कई बार सुना है कि चंदनपुर रेलवे स्टेशन पर दो चुड़ैल सास बहू रात के 10 बजे के बाद जामुन बेचती हैं और जो भी उन्हें पैसे नहीं देता वो उन्हें मार देती हैं। अंकित और रूबी को बात करते करते चंदनपुर स्टेशन पहुँच जाते हैं। स्टेशन के आते ही दोनों उतर जाते हैं। क्या यही है चंदनपुर रेलवे स्टेशन? देखने में तो ये काफी नॉर्मल दिख रहा है और यहाँ तो कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रूबी, देखो उन दो औरतों को जो घूंघट में बैठी हैं और उनके पास जामुन भी है। लगता है ये वही दो चुड़ैले हैं जिसके बारे में मैंने सुना था। चलो इसके पास चले। ये जामुन कैसे दिए हैं? 30 रुपए किलो है जामुन, आपको कितने चाहिए? मुझे 2 किलो दे दो। अंकित सुनो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। रुको रूबी, मुझे पता लगाना है कि ये बात सच में है भी या नहीं। लेकिन कैसे? बस तुम देखती जाओ। 60 रुपए हुए आपके। ओ शिट, लगता है मैं अपना वॉलेट ट्रेन में ही भूल गया हूँ। आप वेट करिए, मैं अभी अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। अंकित के इतना बोलते ही यामिनी और शिवानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो हवा में उड़ने लगते हैं और अपना घूंघट भी हटा देते हैं। ये क्या? इसका मतलब जो लोग कहते हैं वो सब सही कहते हैं। ये तो चुड़ैल है। अंकित भागो यहाँ से। अब तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। आज तक हमसे कोई नहीं बच पाया है, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ है। इतना कहकर ही यामिनी और शिवानी अंकित और रूबी को मारने ही वाले होते हैं, तभी अचानक। रुक जाओ, मैंने तुम दोनों से झूठ कहा था, ये लो तुम्हारे पैसे। लेकिन तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम लोगों के बारे में जो लोग बोलते हैं वो सच है या झूठ, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैं ये जानना चाहता था कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग आज ऐसे बन गए हो। अंकित के पूछने पर यामिनी और शिवानी सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर। तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मारना शुरू कर दो। हम हमारा बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को तुम मारते जाओगे। स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उस पैसेंजर की कंप्लेंट कर सकता है वो। इसके लिए तुम्हें हर किसी को मारने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे बदले का क्या? हमारा क्या कसूर था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? हमारा बदला भी पूरा नहीं हो पाया है। जब तक हमारे कातिल, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है, उसको सजा नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद अंकित रेलवे कर्मचारियों से बात करके 2 साल पहले की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकालता है और उन अपराधियों को सजा दिलवा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम ना होते हम कभी अपना बदला पूरा नहीं कर पाते। अपने अपराधियों को सजा पाकर देख यामिनी और शिवानी दोनों को ही मुक्ति मिल जाती है और दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती हैं।